हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 32। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। हमारी इस खास पेशकश रामनगर की राम कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया के इतिहास में गोंडवाना साम्राज्य का अलग ही महत्व है। यूं तो गोंडवाना शासन काल की महान शासिका रानी दुर्गावती की वीरता के किस्से नारी शक्ति की अनोखी मिसाल है, लेकिन गोंडवाना के बाकी राजाओं की दास्तान भी कम नहीं है। कभी 52 गढ़ों पर राज करने वाले गोंडवाना शासकों ने एक से बढ़कर एक किले बनवाए थे, जिनके वास्तुशिल्प का आज भी कोई मुकाबला नहीं। ऐसा ही एक किला है मंडला जिले में स्थित मोती में, समृद्धशाली इतिहास का साक्षी रहा है। तो आइए आज इसी विरासत पर देखते हैं धरोहर की ये खास पेशकश। नए रागों के साथ शास्त्रीय संगीत की रचना, तंत्र साधना की शक्ति, रहस्यमयी सुरंगे, हजारों का रहस्य और सुदूर आदिवासी अंचल में सदियों पहले कल्याणकारी शासन, रोमांच के अतिरेक में ले जाकर इतिहास में झांकने का मौका अगर कहीं मिल सकता है तो वो रामनगर में ही मुमकिन है। नर्मदा नदी की गोद में बसा ये वही रामनगर है जो कभी गोंडवाना शासकों की राजधानी हुआ करता था। मध्य प्रदेश की मंडला जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर इस आदिवासी बहुल कस्बे रामनगर में सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। रामनगर में पुरातात्विक महत्व की ऐसी कई विरासतें हैं जो गोंडवाना कालीन निर्माण का नायाब नमूना है। हालांकि रामनगर कभी गोंडवाना के 52 गढ़ों में शामिल एक गढ़ हुआ करता था, लेकिन 16वीं सदी में गोंड राजा हृदयेश शाह ने नर्मदा नदी के तट पर रामनगर को ही गोंडवाना की राजधानी बना लिया था। दरअसल 16वीं शताब्दी में मुगलों के आतंक के चलते धीरे धीरे गोंड राजाओं का राज सीमित होता जा रहा था। जबलपुर में गढ़ा के गोंड राजा अपने राज्य के विस्तार को कम करते जा रहे थे। ऐसे में गोंड राजाओं ने अपनी राजधानी को सुदूर आदिवासी अंचल मंडला के पास रामनगर में नर्मदा के किनारे बसाने का सोचा और सारा राजपाट रामनगर ले गए। इसके बाद गोंड राजाओं ने रामनगर में कई आलीशान निर्माण करवाए, इनमें महल, पावड़ी, मंदिर शामिल थे। उस समय राजा हृदय शाह का शासन था, जिन्होंने सन 1651 में रामनगर में अपने रहने के लिए मोती महल का निर्माण करवाया, जिसे रामनगर के किले के रूप में भी जाना जाता है। मोती महल गोंडवाना के समृद्धशाली इतिहास का गवाह रहा है। हालांकि रामनगर में गोंडवाना की राजधानी बनने की कहानी भी दिलचस्प है। गोंडवाना के वैभवशाली इतिहास पर कई किताबें लिखने वाले डॉक्टर नरेश ज्योतिषी बताते हैं कि पहले हृदय शाह ने जिले के ककैया इलाके में अपना महल बनना तय किया था। निर्माण कार्य शुरू भी हो गया था, लेकिन एक दिन शिकार के लिए रामनगर पहुंचे राजा हृदय शाह ने नर्मदा किनारे पहाड़ियों से घिरी एक जगह देखी तो अपना किलेनुमा महल यहीं बनवाना तय कर दिया। तीन सदी से भी ज्यादा पुराने मोती महल की खूबसूरती और मजबूती दोनों आज भी देखते ही बनती है। महल के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, तो
किंतु दक्षिण में घने जंगल हैं। एक तरफ काला पहाड़ है तो दूसरी तरफ एक चौगान जैसा आदिवासियों का तीर्थ स्थान मौजूद है। मोती महल के भीतर 46 मीटर चौड़ा आंगन है और इसके बीचों बीच बना सरोवर महल की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। इसे आज के जमाने का स्विमिंग पूल कहा जा सकता है, लेकिन उस जमाने में महल के भीतर बनाया गया ये सरोवर वाकई अनोखा है। रामनगर का ये पूरा महल अनगढ़ पत्थरों से बना है, जिन्हें चूना, रेत, गुड़, चकोड़े के बीज, उड़द की दाल की विशेष गारे की मदद से जोड़ा गया था। उस जमाने में कुदरती चीजों से बने गारे से जुड़ी गई महल की दीवारें आज तक कोई हिला नहीं पाया। रामनगर के इस किले के भीतर 1000 सैनिकों के ठहरने की व्यवस्था थी और ऊपरी मंजिलों पर महिलाओं, रानी और राजा का निवास होता था। बात अगर इसकी वास्तुकला की करें तो इसमें ज्यादा नक्काशी नहीं की गई है, लेकिन जितनी भी है उनमें मुगल के साथ ही राजपुताना शैली की छाप साफ देखी जा सकती है। रामनगर के किले के रूप में विख्यात 3 मंजिला मोती महल को अद्भुत तकनीक से बनाया गया है। इनमें भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर ही सैकड़ों कमरे मौजूद हैं। ऊपरी मंजिलों में भी आलीशान कमरों की भरमार है, लेकिन कई सिरों से नीचे ऊपर ले जाने वाली दर्जनों सीढ़ियां किसी भी कमरे को क्रॉस नहीं करती। रामनगर के मोती महल में वास्तुशिल्प कुछ ऐसा है कि इसमें निजता यानी प्राइवेसी का खास ख्याल रखा गया था। यहाँ 3 मंजिला इस महल में ऊपर जाने के लिए इस तरह की कई सीढ़ियाँ हैं, लेकिन कोई भी सीढ़ी किसी भी कक्ष को क्रॉस नहीं करती और इस सीढ़ी के जरिए ऊपरी मालों तक पहुँचा जा सकता है। खास बात यह भी अनोखी है कि चौड़ी दीवारों के भीतर से ही ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए इन सीढ़ियों का निर्माण किया गया था और ये वाकई निर्माण अपने आप में खासा अनोखा है। कहते हैं कि गौंड राजाओं की वीरता के चलते अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पैर नहीं जमा पाई, हालांकि इसके लिए कई संघर्ष भी हुए। बताया ये भी जाता है कि ऐसे ही एक संघर्ष के दौरान गौंड राजा और उनकी सेना रामनगर के इस किले के अंदर से अंग्रेज सैनिकों को मार गिरा रहे थे, तो अंग्रेज सैनिकों ने किले को ध्वस्त करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन इस किले नुमा महल की एक भी दीवार नहीं गिरा पाए। सोलहवीं सदी में गोंड शासक राजा हृदय शाह द्वारा बनाए गए इस किले का न सिर्फ वास्तुशिल्प अनोखा है, बल्कि तंत्र शक्ति से इस किले के निर्माण के किस्से भी खासे चर्चित हैं। 1000 सैनिकों को तैनात रखने की क्षमता वाले इस 3 मंजिला किले को बेशक खासी मेहनत और बुद्धिमत्ता से बनाया गया होगा, लेकिन मान्यता है कि अपनी तंत्र शक्ति से राजा हृदय शाह ने इस चंद दिनों में बनवा दिया था। आज के तकनीकी के दौर में कोई निर्माण चंद दिनों में होने की बात मुमकिन लगती है, लेकिन हम बात 16वीं सदी में बने ऐसे गोंड कालीन महल का जिक्र कर रहे हैं जिसका निर्माण केवल 2.5 दिन में होने के दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि राजा हृदय शाह ने अपनी तंत्र शक्ति से महल निर्माण के लिए पत्थर बुलाए थे। हालांकि 2.5 दिन में निर्माण की बातें आश्चर्य करने वाली हैं, लेकिन गांव में आज भी महल निर्माण को लेकर इसी तरह की कहानियां चर्चित हैं। मोती महल से करीब 5 किलोमीटर दूर अष्टफलक वाले पत्थरों का पहाड़ है। लोग कहते हैं कि काली पहाड़ी के अष्टफलक वाले पत्थरों से ही महल का निर्माण किया गया है। पांच किलोमीटर दूर से विशालकाय पत्थर पहुंचा पाना गोंड काल में बेहद मुश्किल था।
हाथियों को छोड़ परिवहन के साधनों के अभाव के कारण केवल पत्थर पहुंचाने में ही कई सालों का वक्त लग जाता। कहते हैं कि राजा हृदय शाह तंत्र विद्या में पारंगत थे। उन्होंने तंत्र विद्या का उपयोग किया जिससे काली पहाड़ी के अष्टफलक पत्थर खुद उड़कर यहाँ पहुंच गए थे। हालांकि लोग इस पर आश्चर्य भी जताते हैं कि ढाई दिन में इतना बड़ा महल बनाना, इस बात को तो मतलब एक असंभव लगता है, हमें तो असंभव लगता है। लेकिन उस जमाने में ऐसी कौन सी तंत्र विद्या थी जिनके माध्यम से ये मतलब बनाना संभव हुआ? रहा तंत्र विद्या का, तंत्र विद्या मानते हैं कि पहले भी थी और आज भी है। हालांकि इतिहास और पुरातत्व की जानकार तंत्र शक्ति से पत्थरों के भंडारण की बात सिरे से खारिज करते हैं। वो इस बात को मानते हैं कि गौंड राजा तंत्र विद्या की जानकार थे। तंत्र क्रिया का उपयोग युद्ध जीतने के लिए किया जाता था। विशिष्ट मुहूर्त में तंत्र साधना की जाती थी। मंडला की जिला पुरातत्व अधिकारी हेमंतिका शुक्ला के मुताबिक महल निर्माण को लेकर स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि आखिर इसका निर्माण कितने दिनों में किया गया, लेकिन इसे रातों रात ढाई दिन में बनाने की बात सही नहीं लगती। हेमंतिका कहती हैं कि राजा हृदय शाह तंत्र क्रियाओं से ज्यादा संगीत के ज्ञाता थे, जिन्होंने संगीत की दो रागों की रचना भी की थी। चिमनी बाई का महल कहलाता है, उसका महल है। क्योंकि वो मुस्लिम रानी थी इसलिए उन्होंने, राजा ने उनका महल थोड़ा दूर बनवाया था और वो नृत्य की साधना वो वहाँ करती थी। और हृदय शाह खुद संगीत के बड़े अच्छे जानकार थे, उन्होंने राग रागनियों की रचनाएं की थी, तो वो अपनी संगीत साधना उसी महल में जाके करते थे। शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता होकर संगीत के रागों की रचना करने वाली राजा हृदय शाह की तंत्र साधना आधी हकीकत आधा फसाना सी लगती है। जानकार इसे खारिज करते हैं, लेकिन सदियों से लोगों की जुबान पर यह किस्सा आज भी कायम है। यह रहस्य भी रामनगर की सैर को रोमांचक बना देता है। गोंडवाना साम्राज्य में जितना महत्व रानी दुर्गावती और शंकर शाह रघुनाथ शाह जैसे वीर बलिदानियों का माना जाता है, उतना ही उनके निर्माण कार्यों के वास्तु शिल्प का भी है। रामनगर में भी रहस्यमयी सुरंगों और तिलिस्मी खजाने के चर्चे खूब होते हैं। गोंडवाना साम्राज्य को अभूतपूर्व विस्तार देने वाले राजा संग्राम शाह मुगल सल्तनत की गुलामी नकारते हुए नारी शक्ति की मिसाल पेश करने वाली रानी दुर्गावती और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की आग फैला देने वाले शंकर शाह रघुनाथ शाह गोंडवाना के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गए। लेकिन संसाधनों के अभाव के उस दौर में वास्तुकला की ऐसी मिसाल बनाने के लिए भी गोंडवाना साम्राज्य कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। किलों और महलों के निर्माण की इस वास्तुकला में सुरंगों के कई रहस्य छिपे हैं। गोंडवाना काल में बने तमाम किलों की तरह रामनगर में भी रहस्यमय सुरंगों का जाल मौजूद था जिसे आज भी देखा जा सकता है। ये सुरंगें गोपनीय ढंग से आने जाने का अहम जरिया थी। जिनके बूते गोंड शासक दुश्मनों की कई साजिशें नाकाम कर देते थे। गोंडवाना शासन काल में बनाए गए महलों और किलों में इस तरह की रहस्यमयी सुरंगों की खासी अहमियत रही है। इन सुरंगों का इस्तेमाल अलग अलग तरह से राजा, रानी, सैन्य शक्ति या गुप्तचर किया करते थे और यही गोंड शासकों की एक बड़ी ताकत थी। गोंडवाना साम्राज्य में सुरंगों का ये महत्व जानकार भी बताते हैं। एक किले से दूसरे किले या मीलों दूर पहुंचाने वाली इन सुरंगों को गोंड शासकों की बड़ी ताकत माना जाता था। कहा तो ये भी जाता है, कुछ सुरंगों से राजा और उनकी सेना एक गढ़ से दूसरे गढ़ तक पहुंच सकती थी।
हालांकि जानकारों में इसे लेकर अलग अलग मत रहे हैं। सुरंगों का इस्तेमाल तो आप देखिए सभी महलों में या किलों में किया जाता था। उसका ये कारण ये था कि अचानक यदि कोई दुश्मन का हमला हो जाता था तो राज परिवार को सुरंग के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता था। मोती महल में भी एक मान्यता है कि वहाँ एक सुरंग है जो मोती महल को मंडला किले से जोड़ती है, पर वो असंभव है। मोती महल में जो सुरंग है वो वहाँ से रानियों को लाने के नर्मदा स्नान करके वापस महल तक पहुँचाने का काम करती थी। वो सुरंग अब ध्वस्त हो गई है, उसको बंद भी कर दिया गया है, पर सभी महलों में सुरक्षा या उसकी दृष्टि से सुरंगें बनाई जाती थी। खैर, सुरंगों से बढ़कर सबसे बड़ा रहस्य रामनगर के खजाने का है। इस पूरे अंचल में मान्यता है कि रामनगर में कभी सोने की बारिश हुई थी। लोग इस बात को सच मानते हैं क्योंकि अक्सर इस अंचल में खुदाई के दौरान लोगों को सोना या सोने के सिक्के मिलते रहे हैं। लोग ये मानते हैं कि रामनगर में आज भी गोंडवाना का अकूत खजाना गड़ा है। मोती महल के आंगन में पत्थर में एक लेख जड़ा हुआ है। कुछ जानकारों के मुताबिक इसे विक्रम संवत 1724 यानी 1667 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें राजा हृदय शाह की पहली पत्नी रानी सुंदरी देवी और उनके विष्णु मंदिर के बारे में जिक्र है। इस शिलालेख में गोंड राजवंश के राजाओं की वंशावली और उनके नाम दिए गए हैं, लेकिन आज न पढ़े जा सकने वाले शिलालेख में लोग खजानों का पता छिपा होने की बात कहते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये शिलालेख, ये कई भाषाओं में इसमें काफ़ी दोहे लिखे हुए हैं और इस पे सबसे ज़्यादा कि इसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया जितने भी विशेषज्ञ यहाँ पे आए। शिलालेख में ही पूरा रहस्य लिखा हुआ है कि खजाना है कहाँ पे। बस मान लें आप, हम मान लेते हैं कि नया नक्शा है कुल मिला के ये, और इसी को भेद के आप खजाने तक पहुँच सकते हैं। खजाने का तो ये रहस्य यहाँ के सुनने को मिलता है कि ढाई दिन तक सोने की वर्षा हुई थी। कुछ एक लोगों को ढूंढने से पता चला कि सोने के सिक्के भी मिलते हैं यहाँ पे आसपास क्षेत्रों में। तो ये पता चलता है कि यहाँ कुछ सोने खजाने वगैरह तो हैं। मंडला के जिला पुरातत्व अधिकारी हेमंतिका शुक्ला मानती हैं हर राजवंश का एक खजाना जरूर होता था और राजा हृदय शाह और उनके बाद राज करने वाले गोंड शासकों के पास भी अकूत खजाना होगा। वो यहाँ आसपास के लोगों को सोने के सिक्के मिलने की बात भी मानती हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहती हैं कि राजधानी छोड़ने की दशा में राजा अपना खजाना कभी महल या किलों में न छिपाकर किसी दूसरी जगह पर गाड़ दिया करते थे। ऐसे में मोती महल के भीतर खजाना गड़े होने की बात को वो नकारती हैं और लोगों से इस विरासत को नुकसान न पहुँचाने की अपील करती हैं। उनके मुताबिक खजाने की खोज के मकसद से एक के बाद एक महल में कई तांत्रिकों ने घुसकर खुदाई की, जिसने इस धरोहर को खासा नुकसान पहुंचाया। इसे बड़ी मुश्किल से दुरुस्त करवाया गया है। रामनगर में एक आम मान्यता है कि यहाँ डेढ़ दिन सोने की बरसात हुई थी और वहाँ पर अभी भी लोग खुदाई करने के लिए चारों तरफ किस कहीं सोना मिल जाएगा, और हम लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते। जहाँ तक सोना चांदी की बात है तो हम लोग उसको समृद्धि से जोड़ते हैं। यदि धन धान्य से संपूर्ण राज्य है तो स्वाभाविक है कि वो मतलब उसमें सोना चांदी सब चीज़ें की भरपूर मात्रा होगी। रामनगर में कभी ढाई दिन तक सोना बरसने की चर्चाओं की जानकार अक्सर अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं। उनके मुताबिक राजा हृदय शाह के शासनकाल में गोंडवाना की ये राजधानी कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध थी। गोंड राजाओं द्वारा पानी के प्रबंध के लिए जल संरचना बनाए जाने से खेती भी अच्छी होती थी। लोगों को लगान की अदायगी कुछ खास नहीं करनी पड़ती थी और ऐसे में इसी संपन्नता को रामनगर में सोना बरसने की दंत कथाओं से जोड़कर देखा जाने लगा। गोंडवाना के वैभवशाली इतिहास पर कई किताबें लिखने वाले डॉक्टर नरेश ज्योतिषी के मुताबिक किस्सा तो गोंड राजाओं के पास पारस पत्थर होने का भी है,
लेकिन सच्चाई उनके कल्याणकारी शासन से आम जनता में आई संपन्नता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट आईबीसी 24। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।